जिसके पास में लोगों के विकास के लिए पैसा नहीं है और खाली वो ऐसे काम करती है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। जरा ये जानकारी कि गोबर कितने लोगों का खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ से ज्यादा जानवर हैं। ये जो गोबर खरीद रहे हैं वो 5,000 से ज्यादा पशुधन का नहीं खरीद रहे। गौमूत्र कितने लोगों का खरीदेंगे? एक महीने में 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए गोबर का पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट भी 7-8 हजार लोगों का होता है। उन 7-8 हजार में भी 1,000 लोगों को 90% पेमेंट होता है और बाकी लोगों को 90% लोगों को 10% पेमेंट होता है। तो सिर्फ और साथ में अभी किसानों को मजबूर कर दिया है कि आपको गोबर खाद खरीदनी पड़ेगी, जबकि वो गोबर खाद अमानक है, मिट्टी मिली हुई है। ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए कम से 3 महीने का समय चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो उसके लिए वर्मी कीड़े चाहिए। एक भी गौठान में वर्मी कीड़े नहीं है, कहाँ से वर्मी कंपोस्ट बन गया? जो प्रोसेस खाली गोबर को सुखाकर उसमें मिट्टी मिलाकर, तो किसानों को 2500 रुपये देकर ऐसा लगता है कि इन्होंने किसानों को खरीद लिया है, बंधक बना लिया है। उनको सड़क नहीं मिल रही है, उनको बिजली नहीं मिल रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। लोग मांग रहे हैं, लोगों ने कोई गौमूत्र खरीदने की मांग की थी क्या? लोग मांग रहे हैं कि हमको हमारा प्रधानमंत्री आवास दो। 18 लाख लोगों के सर से छत छीनने वाली ये सरकार। लोग मांग रहे हैं कि हमारे घर में केंद्र सरकार की जो नल जल योजना है उसका नल लगाओ, उसका पानी पहुंचाओ, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? लोग मांग रहे हैं कि हमारे गांव में गंदगी हो गई है, सीसी सड़क बनाओ। पिछले 3.5 साल में किसी गांव में कोई सीसी सड़क नहीं बनी है। तो मूलभूत आवश्यकता और सुविधाओं से ध्यान हटाने के लिए, सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अगर ये आप जानकारी मांगेंगे तो इन्होंने 100 करोड़ का गोबर खरीदा और 25 करोड़ का विज्ञापन छपवा दिया। ऐसे ही 10 करोड़ का गौमूत्र खरीदेंगे और 15 करोड़ का विज्ञापन छपवाएंगे। शायद मेरे को अभी जानकारी मिली कि देश में किसी भी राज्य का सबसे ज्यादा विज्ञापन का खर्चा किसी का है तो छत्तीसगढ़ सरकार का। तो खाली मुख्यमंत्री जी अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए इस प्रकार के सस्ते खेल खेल रहे हैं। सरकार डरी हुई है, सरकार बेचैन है। अब बहुत बताने की जरूरत थोड़ी है कि टीएस सिंहदेव बस्तर जा रहे हैं और टीएस सिंहदेव जी के क्षेत्र में भूपेश बघेल जा रहे हैं। ये इस बात से परिलक्षित होता है कि अब टीएस के क्षेत्र में कांग्रेस साफ हो रही है और इसलिए मुख्यमंत्री जी को वहां पर 8 दिन देना पड़ रहा है। जहां पर भी जो पार्टी कमजोर होती है वो वहां पर ज्यादा समय देती है। अब छत्तीसगढ़ का जनजाति वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, आदिवासी वर्ग वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बस्तर में तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आंदोलन नहीं होते, जिस दिन 10-20-50 हजार लोगों के प्रदर्शन नहीं होते हैं। अब मुख्यमंत्री जी की ही सभा में पूरा पंडाल खाली हो जाता है। तो जिनके नाम पर यह सरकार आई है वो अगर पूरी तरह नाराज है तो बाकी वर्गों की क्या स्थिति होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अगर छत्तीसगढ़ियावाद का कार्ड होता तो बस्तर में आंदोलन क्यों रोज होते? क्यों अनुसूचित जाति के लोग सड़कों पर उतरते? क्यों पिछड़ा वर्ग के लोग सड़कों पर उतरते? क्यों इतने आंदोलन चल रहे हैं? तो अब लोग समझ गए हैं कि भूपेश बघेल छत्म छत्तीसगढ़ियावाद के दम पर राजनीति करना चाहते हैं। लोगों ने 3.5 साल उनको देख लिया कि उनका दिखाने का चेहरा और कुछ है।
और वास्तविक चेहरा और कुछ है, अब वो बेनकाब होते जा रहे हैं और इसलिए उनको अब धूल खाने के लिए निकलना पड़ रहा है। ये तो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि आज छत्तीसगढ़ का जो स्वरूप है वो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना है। अगर आज सड़कों का जाल बिछा है, अगर आज बिजली का जाल बिछा है, अगर आज सिंचाई की योजनाएं आई हैं, अगर लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उठा है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश में भी चुनाव आने वाले होते हैं उन चुनावों में हमेशा बूथ स्तर तक काम करती है। चाहे आप यूपी का सुन लें, मध्य प्रदेश में भी अभी कुशाभाऊ ठाकरे जी की 100वीं वर्षगांठ चल रही है और उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुशाभाऊ ठाकरे कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत हर शक्ति केंद्र में दो दो विस्तारक बनाकर जो 10 दिन का समय देंगे और हर पोलिंग बूथ में 5 पोलिंग बूथ में 10 दिन का समय देंगे। विधायक और सांसद 10 पोलिंग बूथ में 10 दिन का समय देंगे और उस योजना के तहत पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, चुनाव की तैयारी के लिए ये कुशाभाऊ ठाकरे कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत सब लोग जा रहे हैं। और राजनीतिक दल का तो काम ही होता है अपना जनाधार मजबूत करना। छत्तीसगढ़ के 6 पत्रकार आज जेलों में हैं, सरगुजा के गोस्वामी जेल में है, किसी पत्रकार की का घर तोड़ दिया गया। तो अब तो ये सरकार इतनी ज़्यादा विचलित और तानाशाही पर उतर आई है कि अब पत्रकारों को भी, मेरी जानकारी में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार को निकलवा दिया गया है। तो अब ये जो सरकार है ये पूरी तरह घबराई हुई है, डरी हुई है और अब इनके खिलाफ जो भी बोलता है, जो भी लिखता है उसको सबक सिखाने का काम ये सरकार कर रही है, जो मुझे लगता है। और इनका जो एक आदेश छत्तीसगढ़ में धरने प्रदर्शन आंदोलनों के लिए निकला है वो सरकार के डरे हुए स्वरूप को प्रदर्शित करता है कि ये सरकार अब अपने खिलाफ कुछ भी देखना नहीं चाहती। और ये लोकतांत्रिक, पहले भी ऐसे आदेश या तो अंग्रेजों के ज़माने में निकलते थे या आपातकाल में निकले थे और ये तीसरी बार इस प्रकार का आदेश निकला है। ये तो लोकतंत्र की हत्या पे उतारू है ना, कि सत्ता के दम पर और पैसे के दम पर लोगों को दलबदल कराना और दूसरी पार्टी के बैठे हुए लोगों को हटाना, ये तो खाली सत्ता का नंगा नाच है, पैसे का नंगा नाच है। देखिए कांग्रेस के पास उनकी जो नीति है, उनकी जो नीयत है, उनके जो सिद्धांत हैं वो पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। अब उनके लिए ये मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने स्वीकार किया है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर, चाहे वो राम वमन गमन बनाने का रास्ता हो, चाहे फिर मुख्यमंत्री जी आजकल मंदिर मंदिरों में धोख देने जा रहे हैं, प्रणाम करने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रवाद को लेकर चलती थी और आज कांग्रेस को भी मजबूर होकर उस रास्ते पर चलना पड़ रहा। पूरे देश की 42 ट्रेनों को, जब आज के समय पर पूरे देश को कोयले की ज़रूरत है, पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी को बहाल करने की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में देश की जो आवश्यकताएं प्राथमिकता होती हैं उस प्राथमिकता के आधार पर केंद्र की कोई, केंद्र की सरकार भूपेश बघेल सरकार जैसे कूप मंडूक नहीं है, वो पूरे देश की चिंता करती है। अगर छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट को कोयला नहीं मिलेगा तो छत्तीसगढ़ की क्या हालत होगी, अगर राजस्थान के पावर प्लांट को नहीं मिलेगा, अगर आंध्र के पावर प्लांट को नहीं मिलेगा, तो एकमात्र ये केंद्र की सरकार है जो पूरे देश की चिंता करकर वहाँ की व्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए, चाहे कोरोना काल में टीकाकरण का मामला हो, चाहे कोरोना काल में दवाइयाँ देने का मामला हो, चाहे कोरोना काल में गरीबों को 5 किलो अनाज देने का मामला हो, तो केंद्र की सरकार पूरे देश की चिंता करती है। जो राज्य सरकार के काम करने के उनको अधिकार हैं और जहां पर राज्य सरकारें फेल होती है, पेयजल केंद्र सरकार राज्य सरकार का विषय है, परंतु मोदी जी ने कि हर घर में स्वस्थ पानी मिले इसके लिए 50% पैसा केंद्र सरकार दे रही है और उसमें भी राज्य सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। देश के अन्य राज्यों में
75% काम घर घर में नल पहुंचाने के पानी का काम हो गया है, छत्तीसगढ़ में वो सिर्फ 20% हुआ। अरे ये बाकी बात छोड़ दें, हेलीकॉप्टर से घुमाने की बात कर रहे हैं, मजदूरों का 600 करोड़ रुपए आपके पास है। उस योजना में मजदूरों के बच्चों को साइकिल मिलती थी, मजदूरों के बच्चों को वजीफा मिलता था, मजदूरों के बच्चों की शादी होती थी, 72 प्रकार की योजनाएं चलती थी। आप पिछले 3.5 साल से 600 करोड़ रुपए को डंप करके रखे हो। मजदूरों का पैसा खाने वाली है सरकार, और उस पैसे के बदले लोन लेने वाली है सरकार।